तो मैक्सवेन वॉशिंग के एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम है। तो आप लोग हमारे पिछले एपिसोड में देख लिए होंगे, मेरे को डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के लिए लगभग इधर 5400 की ग्लोरी की जरूरत है, और आज मैं कम टाइम में कैसे फुल ग्लोरी प्लस किया था ये आप लोगों को मैच के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये रहा हमारा मैक्सवेन वॉशिंग के एपिसोड 3 का पहला गेम, जिसमें मैं केप टाउन में उतर जाता हूं। मेरे पीछे एक बंदा उतरा था, तो बक्से से मेरे को यहां पर मैक्सवेन भी मिल जाता है, लेकिन उतने में ही लैम्बोर्गिनी आ जाता है वही बंदा, तो सामने के साइड निकल जाता है। तो सामने के साइड चल के देखते हैं। थोड़ी देर बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूं, मकरी वाला कैरेक्टर छोड़ देता हूं। मकरी वाला कैरेक्टर जाके उसके ऊपर हिट भी हो जाता है, जिसको मैं मैक्सवेन से काफी आराम से खत्म कर देता हूं। हेडशॉट का भी किल आ जाता है। तो उसके बाद मैं ऊपर देखने लगता हूं, तो वही बंदा फिर से केप टाउन में उतर गया। अभी देखते हैं वो बंदा कहां पर लैंड कर रहा है। ओके, सामने के घर के अंदर ही लैंड किया है। सबसे पहले देखते हैं इसको जाके एक और बार मार भी पाते या नहीं। सामने के साइड अभी निकलते हैं। थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही इधर के साइड आता हूँ, बंदा घर से बाहर निकल गया था, तो सामने के घर के अंदर चला गया था। तो देखते इसको मार भी पाते या नहीं। तो मैक्सवेन से इधर मेरा दूसरा किल भी निकल जाएगा, एंड फिर से घर के अंदर चला जाता है बंदा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं होल्ड करने लगता हूँ, लेकिन उतने में ही बंदा बाहर निकल जाता है, जिसको मैं काफी आराम से मैक्सवेन से डैमेज देता हूँ। लास्ट में जाके खत्म कर देता हूँ। हेडशॉट का भी किल आ जाता है, एंड उसके बाद एकदम से मैं लास्ट जोन में आ जाता हूँ, जो कि सामने वाला बंदा ऊपर बनकर खड़ा था, जिसको मैं मकरे वाला कैरेक्टर से इधर मार देता हूँ। और अभी के टाइम इधर मेरा मैक्सवेन से 3 किल भी निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बंदा सामने से आयरिस कैरेक्टर का यूज करके मेरे को इधर डैमेज कर रहा था, लेकिन बंदा कवर फायर देकर इधर मेरे को मार रहा था। एंड बंदा जैसे ही बाहर निकला, थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, एंड उसके बंदा जैसे ही सामने के साइड आया था, ओके डैमेज तो नहीं लगा। एंड सामने के साइड से बंदा रश कर रहा है, तो उसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज डील कर देता हूं, लेकिन उतने में बंदा इधर पैक कर लेता है। तो इधर से जोन भी आ रहा है, तो इसको भी तो बाहर भी आना ही पड़ेगा। तो मैं इधर थोड़ी देर होल्ड करने लगता हूं, तो ओके ग्लोअल तो फोड़ लिया है। तो सामने के साइड जैसे ही निकला, इसको मैं एसबीडी से काफी आराम से इधर खत्म कर देता हूं, लेकिन उतने में मेरे को पीछे से काफी गंदा वाला डैमेज डील कर देता है। तो सबसे पहले इधर एक मेडिकेट मार लेता हूं, सामने के साइड ही बंदा है, तो सबसे पहले जोन में निकलता है, क्योंकि जोन भी नहीं है। एंड उसके बाद मैं जैसे इधर की साइड सामने के साइड आता हूं, एक बंदे को डैमेज देता हूं, लेकिन पीछे से इधर मेरे को गंदा वाला डैमेज डील कर देता है। तो सबसे पहले इधर एक मेडिकेट मार लेता हूं, एंड सामने के साइड ही बंदा है, तो देखते इसको मार भी पाते या नहीं। एंड थोड़ी देर बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ, पीछे से गंदा वाला डैमेज फिर से दे रहा था, तो मैं इधर एक ग्लोअल लगा लेता हूँ, लेकिन ग्लोअल के नीचे से बंदा मेरे को मार रहा था। बंदे के पास शायद स्नाइपर वगैरह था, इसलिए ग्लोअल के नीचे से इधर मार दिया था, एंड मेरे को डाउन भी कर देता है। तो मेरे पास इधर ओरिजिनल था, फिर से बंदा मेरे को इधर मार देता है। एंड मैं जैसे ही बैक करके देखता हूँ, मैक्सवेन का फुल ग्लोरी, एंड उसके बाद मैं फिर से मैच स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं उधर जाता हूँ ब्लू जोन में मार्स इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर उतरने के बाद इधर G36 मिल जाता है, जो कि सामने वाले बंदे को इधर मैं काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ। सामने ही बंदा था जिसके शायद M60 वगैरह था, इसलिए मैं इधर मकरी वाला कैरेक्टर छोड़ देता हूँ। मकरी वाला कैरेक्टर चल के इसके ऊपर हिट भी हो जाता है, जिसको मैं काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। उसके बाद सामने एक बंदा दिखता है, जिसको मैं बॉडी देके इधर खत्म कर देता हूँ। तो अभी मेरे को मैक्सवेन भी परचेस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले चल के मैक्सवेन को भी परचेस कर लेता है। एंड मैं इसके बाद आके वेल्डिंग मशीन से मैक्सवेन को परचेस कर लेता हूँ। सामने के साइड ही फाइट हो रहा है, एंड उसके बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ, सामने ही बंदा दिखता है, जिसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज डील कर देता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को एम10 से मार देता है। एंड मकरी वाला कैरेक्टर चल के इसके ऊपर हिट भी हो जाता है, लेकिन किसी और बंदा आके इसको मार देता है। एंड उसके बाद फिर से रिवाइव हो जाता है। तो मैं रिवाइव होने के बाद इधर पोचिनॉक में आके वेंडिंग मशीन से मैक्सवेन को परचेस कर लेता हूं। मैक्सवेन को परचेस करने के बाद ही नीचे से एक बंदा आ रहा था, जिसको मैं काफी आराम से खत्म कर देता हूं। शायद मैक्सवेन से इधर मेरा पहला किल निकल जाता है। एंड उसके बाद एक बंदा तासुया करके घर के अंदर आ जाता है, लेकिन मकरी वाला कैरेक्टर चल के उसके ऊपर हिट हो जाता है, जिसको मैं काफी आराम से मैक्सवेन से खत्म कर देता हूं। और उसके बाद मैं गाड़ी लेके सामने के साइड आ ही रहा था, लेकिन सामने एक बाइक दिखता है, जो बंदा शायद ऑफलाइन है। तो सबसे पहले चल के फ्री वाला किल निकल लेता है, जो कि हेडशॉट मार के इधर मेरे को निकलना पड़ेगा। इसको मार के पोचिनॉक में आके एक हिटलिस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी टॉप 20 हो गया है, तो हिटलिस्ट वाले बंदे को मार के इधर मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। तो सबसे पहले चल के देखते हैं हिटलिस्ट वाला बंदा किधर है। एंड मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ, फैक्ट्री के साइड ही बंदा था, और उसके बाद इधर वेट करने के बाद बाइक लेके मैं हिटलिस्ट वाले बंदे के पास आ जाता हूँ। तो सबसे पहले देखते इसको मार भी पाते या नहीं मैक्सवेन से। ओके, सामने ही बंदा है, जो कि मेरे को MP40 से शायद मार रहा है। ओके, 29 का डैमेज आता है, एंड फाइनली खत्म भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इधर ग्रेनेड से एलिमिनेट हो जाता हूँ, और मेरा शायद इस मैच में मैक्सवेन से 4 किल हो गया था। तो सबसे पहले इधर एलिमिनेट हो जाता है, तो ओके फाइनली इधर मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। एंड बैक करने के बाद इधर देखता हूँ मैक्सवेन का फुल ग्लोरी, एंड उसके बाद मैं फिर से मैच स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इधर उतर जाता हूँ कैरेटॉन में, एंड इधर मैं फिर से एक बार रिवाइव हो गया था, तो एक बंदे को मैं इधर मार दिया था, लेकिन ऊपर से फिर से वही बंदा रिवाइव होकर आ गया था। तो सबसे पहले इसको एक्समेट से मारते हैं, शायद इसके पास G18 वगैरह है, तो इसको मार देते हैं इधर। ओके, बाहर के साइड निकल रहा है, तो फाइनल इसको जैसे तैसे करके मार देता हूँ, लेकिन उतने में ही मेरे को पीछे से इधर डैमेज कर रहा था। तो सबसे पहले ग्लोअल के कवर में चला जाता है। ओके, सामने से ही मार रहा है, तो अभी इसको देखते हैं। ओके, शायद इधर से वो वाला बंदा इधर से निकल गया है, तो अभी मैं भी इधर से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ, फैक्ट्री के साइड, जिसको मैं बाइक से उड़ा देता हूँ, एंड मैक्सवेन से खत्म कर देता हूँ।
तो इधर मेरा मैक्स 7 से पहला गेम भी निकल जाता है और उसके बाद सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं डाउन कर देता हूँ। शायद इसके पास ओरिजिनल वगैरह था और सामने वाले बंदे के पास जोन भी आ रहा था जिसको मैं एसबीडी से इधर खत्म कर देता हूँ। तो मैक्स 7 से अभी तक मेरा एक ही किल हुआ है एंड उसके बाद एकदम से 1v1 का सिचुएशन था। ओके, सामने के साइड ही बंदा है, लोअल मार लेता है, मैक्री वाला कैरेक्टर छू देता हूँ लेकिन मैक्री वाला कैरेक्टर कहीं और चला जाता है। ओके, बंदा सामने के साइड है तो सबसे पहले इधर एक लैंडमैन लगा लेता है। ओके, सामने के साइड ही बंदा है, उसके पास भी मैक्स 7 है तो 4 का वेस्ट भी है, उसके पास मेरे पास भी 4 का वेस्ट है। तो सबसे पहले इधर मेरे को डैमेज तो डील कर देता है बंदा गंदा वाला। ओके, सामने के साइड ही है, डैमेज तो दे देता हूँ लेकिन इधर मेरे क्रोनो कैरेक्टर था तो क्रोनो भी चला लेता हूँ। सामने वाला बंदा कभी कभी मेरे क्रोनो के अंदर भी आ जाता है। ओके, सामने के साइड ही बंदा है तो डैमेज तो दिया था लेकिन मेरा मैक्स 7 इधर रिलोड में आ जाता है जो कि बंदा इधर मेरे को मार देता है। 5 HP का ही बंदा सिर्फ बचा था लेकिन इधर मैं जैसे ही बैक करके देखता हूँ फुल ग्लोरी तो नहीं लेकिन 89 का इधर मेरे को ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो मैं फिर से कैरेटन में उतर जाता हूँ। सामने घर के ऊपर ही एक बंदा है तो सबसे पहले चल के इसको भी मार लेता है। ओके, सामने के साइड ही बंदा है जिसको मैं मकड़ी वाला कैरेक्टर चल के उसके ऊपर हिट हो जाता है जिसको मैं मार देता हूँ। सोनिया भी हो जाता है तो जैसे तैसे करके इसको मैं मार देता हूँ एंड मैं ऊपर देखने लगता हूँ एंड उसके बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ सामने के साइड ही बंदा था। ओके, सबसे पहले चल के इसको मार लेता है। ओके, डैमेज तो दे दिया हूँ एंड मकड़ी वाला कैरेक्टर छू देता हूँ, इसको काफ़ी आराम से इधर खत्म कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ एक बंदा दिखता है, डैमेज तो दिया हूँ गंदा वाला। तो सबसे पहले चल के उसके ऊपर रश करता है, देखते हैं बंदा किधर है। ओके, बंदा शायद पैक कर लिया है। तो सबसे पहले इधर मैं एक काम करता हूँ, मकड़ी वाला कैरेक्टर छोड़ता हूँ एंड ग्लोअल को फोड़ने लगता हूँ। तो सबसे पहले ग्लोअल फोड़ता हूँ तो जैसे ही बंदा बाहर निकलेगा मकड़ी वाला कैरेक्टर उसके ऊपर चल के हिट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्लोअल फोड़ लेता है। ओके, फाइनली हिट भी हो जाता है एंड मैं इसको गंदे वाला डैमेज दे देता हूँ एंड फाइनली इसको भी मार देता हूँ। मैक्सिमम से इधर मेरा 3 किल भी निकल जाता है। तो अभी मेरे को सिर्फ टॉप 20 का वेट करना है। तो मैं इधर टॉप 20 का तो वेट कर रहा था लेकिन सामने वाले बंदे को मैं इधर काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ। तो उसके बाद मैं रश करने के लिए इधर के साइड आया था लेकिन बंदा इधर मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज दे देता है। तो मैं इधर एक ग्लोअल लगा लेता हूँ एंड बंदा तो मेरे को इधर काफी गंदा वाला डैमेज दे दिया था। तो सबसे पहले इधर के साइड एक ग्लोअल लगा लेते हैं लेकिन बंदा इधर मेरे को मार देता है इधर के साइड। तो मैं जैसे ही बैक करता हूँ मैच से तो इधर मेरे देखता हूँ मैक्स 7 का फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो सामने एक बंदा था जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ एंड 190 का डैमेज भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैक्स 7 से मारते हैं, मैक्स 7 से शायद 1-2 का डैमेज आया था तो किल भी हो जाता है। तो मैं एकदम से लास्ट जोन में आ जाता हूँ। तो अभी सिर्फ मेरे अलावा बंदा सिर्फ 3 ही बचा है। तो सामने के साइड ही जोन है तो सामने के साइड जोन में निकलता है एंड सामने के साइड ही 2-2 बंदा है एंड ऊपर के साइड ही एक बंदा है, ऊपर में एक बंदा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है एंड थोड़ी देर बाद मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ बंदा एक आ जाता है तो मकड़ी वाला कैरेक्टर छू देता हूँ, मकड़ी वाला कैरेक्टर चल के उसके ऊपर हिट भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इधर पैक करके सुपर मेडिकेट मार लेता हूँ। एक बंदा तो ऊपर के साइड ही है तो अभी देखोगे तो 1v1 का सिचुएशन लेकिन 2 बंदा कहाँ पर है मेरे को पता ही नहीं है। तो अभी के टाइम पे एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया है। ओके, सामने के साइड ही एक बंदा है। ओके, फाइनली ये तो खत्म हो जाता है लेकिन आखिरी वाला बंदा कहाँ पर बैठ के इधर मेडिकेट मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इधर मैं सुपर मेडिकेट मारता हूँ तो देखते हीलिंग मेटल करके इस मैच को मैं भूया कर भी पाता हूँ। तो इधर मेरे पास मैक्सिम कैरेक्टर भी नहीं था जिसके चलते मैं हीलिंग बैटल मैच हार जाता हूँ। तो मैं जैसे ही बैक करके देखता हूँ मैक्स 7 का 51 का ही ग्लोरी मिलता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो सामने के साइड एक बंदा था जिसको मैं SBD वाई से काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ। तो अभी के टाइम पे मेरे अलावा बंदा सिर्फ 3 ही बचा है जो कि अभी तक मेरा एक भी किल नहीं हुआ है। तो देखते आगे चल के अभी क्या होता है। उसके बाद सामने से एक बंदा मेरे को डैमेज डील कर रहा था तो स्काइलर कैरेक्टर भी छोड़ देता है जिसको मैं SBD वाई से खत्म कर देता हूँ। अभी आखिरी का सिर्फ 2 ही बंदा बचा है तो देखते इस मैच को भूया कर भी पाते या नहीं। तो सामने के साइड आके इस लश को मैं लूटने लगता हूँ। तो अभी तो आखिरी का 2 ही बंदा बचा है एंड मैं जैसे इधर के साइड आता हूँ सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं SBD वाई से जूम करके हेडशॉट के साथ इसको मार देता हूँ। तो अभी सिर्फ आखिरी का एक ही बंदा बचा है। तो अभी तक मेरा मैक्स 7 से एक भी किल नहीं आया है। तो आखिरी वाला बंदे को मैक्स 7 से मारने की कोशिश करेंगे। ओके, सामने के साइड ही शायद बंदा है। तो थोड़ी देर बाद बंदा जैसे ही बाहर के साइड आता है तो मैं मकड़ी वाला कैरेक्टर छोड़ के पीछे से रश कर देता हूँ, पीछे के साथ चल के इसको मैक्स 7 से बॉडी दे के नॉक कर देता हूँ। तो सबसे पहले चल के इसको खत्म कर देता है। तो मैं इसको एक और बार रिवाइव होने के चांस देता हूँ जो कि मैक्स 7 से मेरे को थोड़ा बहुत ग्लोरी मिल जाए। मैं जैसे इधर बैक करके देखता हूँ मैक्स 7 से सिर्फ 38 का ही ग्लोरी मिलता है। तो इसी की तरह हम लोग पुशिंग करते करते इधर हमारा मैक्स 7 का जो ग्लोरी है 5400 हो चुका है एंड हम लोग हमारे स्टेट के अंदर 56 नंबर पे एंड इंडिया के अंदर 76 नंबर पे चल रहे हैं। तो बाकी इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर से नीचे कमेंट करके बता देना। तो अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।